अच्छा, अब ये ग्लूटाथायोन के शॉट्स भी तो आ गए पीने के लिए। आप फार्मेसी जाते हैं, आपने देखा होगा कोने में ऐसे पतले पतले शॉट्स पड़े होते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स के बड़े बड़े नाम हैं, तो वो कोई 25,000 का दे रहा होता है, कोई 30,000 का, कोई 35,000 का, कोई 16,000 का। अब वो ब्रांड्स तो पड़े हुए इस तरह के, क्या वो भी इफेक्ट करते हैं? एक इंजेक्शन वाला एक शॉट वो पूरा सेम काउंट करता है? अच्छा, या नहीं? नहीं, ऐसे नहीं है। जो पीने वाला या मुंह के अंदर रखने वाला जो शॉट होता है वो एक्चुअली ओरल कैविटी के राउट से उसने एब्जॉर्ब होना है। अगर हम पी लेते हैं, वो जो लिक्विड वाला है, हाँ लिक्विड वाला, अगर हम मुंह के अंदर रखते हैं उसको फॉर अ मिनट, तो उसकी एब्जॉर्प्शन बेहतर होगी क्योंकि यहाँ से एब्जॉर्प्शन बेहतर हो जाती है। बट अगर हम पी लेते हैं, निगल लेते हैं, तो गट जो है उधर से उसकी एब्जॉर्प्शन इतनी अच्छी नहीं होती। तो जो ये जो शॉट्स हैं इसको पहले पूरा मुंह में रखना चाहिए? हाँ, कितनी देर तक? एटलीस्ट फॉर अ मिनट। और उसमें भी एक टाइप है शॉट्स की, उस टाइप के ऊपर अगर लाइपोसोमल लिखा हुआ है, वो काइंड ऑफ ऐसा ग्लूटाथायोन है, इस प्रिजर्व्ड फॉर्म में है कि वो मुंह के अंदर जब रखेंगे तो वो एब्जॉर्प्शन बेहतर करेगा। थोड़ा सा फैटी एक कॉम्पोनेंट उसके साथ एडिड है, उसको लाइपोसोमल ग्लूटाथायोन बोलते हैं। और फिर उसको पीना है? हाँ। तो अब ये भी मुझे, मगर इतना जल्दी इफेक्ट नहीं करता जितना आप कह रही हैं इंजेक्शन, है ना? एग्जैक्टली, इंजेक्शन थोड़ा आईवी रूट से, जैसे आपको पता है कोई बंदा बीमार होता है या इमरजेंसी में जाता है तो हमें मोस्ट ऑफ टाइम आईवी लगाना पड़ता है ना क्विक रिकवरी के लिए। इसी तरह आईवी रूट से जो भी मेडिसिन, जो भी विटामिंस, जो भी चीज़ें ली जाती हैं, वो थोड़ा सा आप समझ लें कि जल्दी इफेक्ट आता है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आज लगवाया है तो कल सुबह मुंह धोएंगे तो चमक आ जाएगी। अच्छा, तो जल्दी नहीं है, इतनी जल्दी नहीं, आसपास का। और ये चमक रहती है कितने टाइम तक की है? जो हल्का सा गुलाबी गुलाबी चेहरा हो जाता है तो ये कितने टाइम तक रहेगा? बहुत शॉर्ट लिव्ड है अनफॉर्चुनेटली। हफ्ता डेढ़ हफ्ता? नहीं, हफ्ता डेढ़ हफ्ता तो नहीं। अगर आपने 6 to 8 इंजेक्शन लगवा लिया या आपने 3 to 4 months अपने शॉर्ट्स ले लिए हैं तो उसका इम्पैक्ट अगले 6 महीने तक तो रह सकता है। लेकिन उससे की जो गोलियां आती हैं ग्लूटाथायोन की, तो ये भी इस्तेमाल की जा सकती है क्या? ये सही है, सेफ है? ये आपके मैदे को गर्म तो नहीं करती, खराब तो नहीं करती, आपके जिगर को डैमेज तो नहीं करती? जिगर की जहाँ तक बात है, जो हेपेटाइटिस के मरीज हैं या अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में अगर लोग गूगल भी करना चाहें उसको कर सकते हैं, ग्लूटाथायोन सेफ होता है उसमें लेना। इनफैक्ट उसमें हेल्प करता है, लिवर को डिटॉक्स करता है। ठीक है, तो जहाँ तक है कि टैबलेट्स काम करती या नहीं करती, टैबलेट्स अगेन गट से उन्होंने एब्जॉर्ब होना है, उसकी एब्जॉर्प्शन उतनी नहीं होगी, काम जरूर करेंगी बट ऑफ कोर्स थोड़ा करेंगी एज कम्पेयर टू आईवी रूट, एज कम्पेयर टू सबलिंगुअल रूट। ठीक। और ये इंजेक्शन कितने चाहिए होते हैं बॉडी में, थोड़ा सा रंग दो टोन या एक टोन ऊपर करने के लिए? आप में कहूँ तो डिफरेंट होगा, इनमें कहूँ तो कुछ और होगा, मेरे में कुछ और होगा अंदाजन, एक टोन या डेढ़ टोन जितना भी ऊपर हो जाए। इंजेक्शन अगर हम बात करें तो एनीवेयर इन बिटवीन 6 to 8 इंजेक्शन जो हैं वीकली अगर हम लगवा रहे हैं, कई लोग इसको ट्वाइस वीकली भी रिकमेंड करते हैं। एक वीक में 6 to 8 इंजेक्शन? नहीं नहीं नहीं, वीकली एंड 6 to 8 इंजेक्शंस टोटल। ओके, इतने में तो डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा, देन मेंटेनेंस इज द की। कि मुझे ये बताइए कि जो बूस्टर होता है वाइटनिंग का, वो क्या चीज़ होती है, और ये जो ग्लूटाथायोन की ड्रिप होती है ये क्या चीज़ होती है? क्योंकि मोस्टली डॉक्टर्स ये कहते हैं एक होता है बूस्टर और एक होता है ये ग्लूटाथायोन का इंजेक्शन, कौन सा लगवाना है? तो ये क्या होता है, क्या लगवाना चाहिए लोगों को? अच्छा, अगेन ये सेलिंग पॉइंट है, ठीक है। हाँ, कितनी मैंने एक ही बात करके ख़त्म कर दिया। अच्छा, सेलिंग पॉइंट है, इसलिए सेलिंग पॉइंट है कि इसकी डोजेज का अभी तक दुनिया में कोई गाइडलाइन नहीं आई कि ये रिकमेंडेड डोजेज है, 100% ये लगनी चाहिए और ये नहीं लगनी चाहिए। इसमें एक सेफ डोजेज का एक कॉन्सेप्ट आया हुआ है जिसमें कुछ कंपनीज जो हैं वो मिलीग्रामेज में डोज निकालते हैं, उसमें से एक इंजेक्शन 600 मिलीग्राम का आता है। अगर हम डबल शॉट करके करते हैं तो उसके साथ विटामिन सी को ऐड करते हैं और फिर लगाते हैं। अब जो बूस्टर की आप बात कर रही हैं, तो कुछ डॉक्टर्स इस तरह से अपने आप को सेल करने के लिए या एक प्रोडक्ट को थोड़ा इम्पैक्ट बेहतर लाने के लिए वो कहते हैं कि थोड़ा एक्स्ट्रा डोज लगवा लें तो इम्पैक्ट बेहतर आएगा, लेकिन दुनिया की कोई गाइडलाइन ऐसी अभी तक नहीं कंसेंसस हुआ कि इतना ग्लूटाथायोन लगना चाहिए और इतना नहीं लगना चाहिए। इसकी कॉस्ट क्या होती है पर इंजेक्शन, जो कि ड्रिप में डाल के जब जो लगती है उस ड्रिप के साथ, उस प्रोसेस के साथ, वो इंजेक्शन सब कुछ कितने का, सारा कुछ सामान के साथ एक ड्रिप लग जाएगी इसकी? अच्छा, अब देखें, अब हम पैसों की बात तो खैर कर रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आई एम इंडोर्सिंग इट। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अपनी पॉकेट को देख के, अपने हालात को देख के और अपने सर्कमस्टांसिस को देख के प्लीज़ काइंडली चला करें। ज़रूरी नहीं है कि आप ग्लूटाथायोन लगवा के ही अंदाजन फिर भी क्या कॉस्ट हो जाती है। ये मैं ज़रूर बताऊँगी कि 7,000 से स्टार्ट हो सकता है इंजेक्शन और एनी वेयर इन बिटवीन 20,000 के दरमियान में रेंज उसकी आ सकती है, डिपेंड ऑन डर्मेटोलॉजिस्ट के
मुझे अपने क्लिनिक्स के हिसाब से वो कौन सा ब्रांड यूज कर रहे हैं, बना हुआ कहाँ का है, मेक कहाँ की है, बाहर का प्रोडक्ट मुझे इंजेक्शन प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है। लगाने का तरीका तो देखिए मोर और लेस सिमिलर है, तो ये हर नए नए किस्म के और अच्छे बुरे ब्रांड्स के भी होते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो भाई अब आप देखने वालों की ये तो मदद कर दे ताकि जब इंजेक्शन लगवाने जाए तो उनको ये तो पता हो कि कौन कौन से बेस्ट इस तरह के प्रोडक्ट ब्रांड्स हैं इंजेक्शन के जो वो लगवाएं, जो आप कहती हैं ये हाईली रिकमेंडेड है, जो काम करेंगे प्लीज ये तो बता दें। अच्छा बता दें कुछ नहीं होता। मैक इंटरनेशनल ब्रांड है व्हिच इज वेरी फेमस, रोश कंपनी है, रोश, हाँ जी रोश कंपनी है, उसका आता है टेट्योनल या टेशियोनल कई लोग उसको बोलते हैं, उस नाम से आता है, उसी का विटामिन सी आता है, उसी का ग्लूटाथियोन आता है, उसको कंबाइन करके ड्रिप में साथ इवन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अगर डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, तो इट्स अ काइंड ऑफ पावर ड्रिप। और कौन कौन से, ये तो आपने बता दिया कि एक अच्छा ब्रांड शामिल है, और कौन से ऐसे ब्रांड है जो बहुत नॉर्मल है जिसको आप कहती हैं कि इतना अच्छा इफेक्ट नहीं देते, ये वाले ब्रांड्स ना लगवाएं तो पैसे जाया ना करें, ये भी बता। आई वुड से ना लगवाएं तो मैं नहीं कहूंगी, बिकॉज देखें वो तो हमें फिर पूरा उसको रिसर्च करना पड़ेगा, या वो जो सस्ते इंजेक्शन दे रहे हो तो वो पहले ही समझ जाए। मुझे है कि कोरियंस कुछ ब्रांड्स हैं, कुछ चाइनीज ब्रांड्स हैं, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग सम टाइम्स हमने नोटिस किया है कि उनकी क्वालिटी इतनी स्टैंडर्ड की नहीं होती, तो वो बेहतर है, फिर बेहतर है कि उसमें भी देख कर, कोरियन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एस्थेटिक्स में, दे आर वे अहेड, लेकिन एट द सेम टाइम जिस तरह पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं और बहुत सारी बुरी हैं, चाइना में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं और बुरी हैं, इसी तरह कोरिया में भी बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, मैं नहीं कहूँगी बिकॉज देखें वो तो हमें फिर पूरा उसको रिसर्च करना पड़ेगा। या वो जो सस्ते इंजेक्शन दे रहे हो तो वो पहले ही समझ जाए। वो मुझे है कि कोरियंस कुछ ब्रांड्स हैं, कुछ चाइनीज ब्रांड्स हैं, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग सम टाइम्स हमने नोटिस किया है कि उनकी क्वालिटी इतनी स्टैंडर्ड की नहीं होती, तो वो बेहतर है, फिर बेहतर है कि उसमें भी देख कर, कोरियन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एस्थेटिक्स में, दे आर वे अहेड, लेकिन एट द सेम टाइम जिस तरह पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं और बहुत सारी बुरी हैं, चाइना में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं और बुरी हैं, इसी तरह कोरिया में भी बहुत सारी। ठीक है, बिल्कुल आखिरी जल्दी जल्दी बता दीजिए मुझे, क्या प्रेग्नेंट वुमेन इस्तेमाल कर सकती हैं? अच्छा ये कैप्सूल्स, ड्रिप और ये शॉर्ट्स। अच्छा प्रेगनेंसी एंड नर्सिंग मॉम्स, उनको कुछ भी ऐसा वैसा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उनको जस्ट अपने आयरन और फॉलिक एसिड पर रहना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपने हमारी हेल्प की और हमें समझ आया एग्जाम की बातें मार्केट में फैली हुई होती हैं, ये सही है ये गलत है, यूँ करना है ये नहीं करना, वो आज आपको सब कुछ समझ आ गया। अगर आपको अपनी एक टोन बेहतर करनी है, आपको वाइटनिंग इफेक्ट चाहिए बॉडी में, तो ये बिल्कुल सेफ है, आप लगवा सकते हैं। समटाइम्स उन्होंने बताया कि जो कैंसर के पेशेंट्स हैं उनको भी ये दिया जाता है, आप सेफली इसको यूज़ कर सकते हैं, मगर हर चीज़ का एक्सेस जो है वो गलत है, तो अपनी बॉडी का रिएक्शन देखें, अगर सही है तो उसको इस्तेमाल कर दीजिए। जो मेरी बहनें बहुत परेशान हैं अपने कलर कॉम्प्लेक्शन को लेके और उनकी फैमिली उनकी शादियों के रिश्तों की वजह से, तो फिर आप उनकी बेटियों को भी पिला सकते हैं, मगर डॉक्टर के मशवरे के साथ। खुदा हाफिज़।